बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तकरीबन एक सदी और 10 साल के बाद, यानी 110 साल के बाद 5 सैयारों का अजीम इज्तमा हो रहा है और ये पांचों प्लैनेट्स बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। अब देखिए, जुपिटर, मरकरी, वीनस, यूरेनस और मार्स 22 मार्च से ये सैयारे इकट्ठे हो रहे हैं और अप्रैल के शुरू तक ये प्लैनेट्स इकट्ठे रहेंगे। तो सैयारों का ये जो इज्तमा है, ये जो प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, इनसे 3 बुरुज को तो बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले टॉरियंस के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा टाइम साबित होगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 राजयोग भी बना रहा है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। काम में अगर पहले किसी के साथ कोई इख्तलाफ था तो वो इख्तलाफ ख़त्म होगा। काम की जगह पर कुछ रुकावटें थी तो वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, आपके काम स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, काम की तलाश में हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त साबित होगा। आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि आप लोगों को मेहनत भी करनी होगी। आप लोग फिज़िकली मेंटली जितने एक्टिव होंगे, जितना आप लोग ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे, आपको उतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब देखिए, फ़र्ज़ करें कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ता ख़राब है, खड्डों वाला रोड है, तो आपको गाड़ी तो स्लो चलानी है, आराम आराम से जाना होगा। तो जब रास्ता साफ आ जाए, अच्छी सड़क आ जाए, अच्छा रास्ता आ जाए, तो आपको गाड़ी भगानी चाहिए। वहाँ पे भी अगर आप स्लो चलेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, आपका फासला जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो अब रास्ता साफ आ गया है, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो अब आप लोगों को कोशिशें तेज़ भी करनी चाहिए। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त रहेगा। आपको अब कुछ बड़ी कामयाबियाँ भी मिलेंगी, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकेंगे, कुछ नए मुआहदे कर सकेंगे, अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे, अपने कारोबार को फैला सकेंगे, नई दुकानें खोल सकेंगे, नई ब्रांचेस खोल सकेंगे। तो ये वक्त अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। पिछले दिनों में अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपका प्रॉफिट कम हो गया था, तो अब आप लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, किस्मत भी भरपूर साथ देगी, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये एक अच्छे दौर का आगाज़ भी है, मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुश रखे, खुशहाल रखे, आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, सेहतमंद खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडियक साइन होगा वो है जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनी तकरीबन 110 साल के बाद 5 सैयारे इकट्ठे हो रहे हैं, जुपिटर, मरकरी, वीनस, यूरेनस और मार्स। 22 मार्च को ये प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएंगे और अप्रैल के शुरू तक ये इकट्ठे रहेंगे। तो सैयारों का ये जो गठजोड़ है, ये जो सैयारे इकट्ठे हो रहे हैं, इनका इकट्ठा होना आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो तमाम जेमिनी जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। 22 मार्च से ये वक्त शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने अगर कोई नया काम शुरू करना है, कोई नया कारोबार शुरू करना है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई नया एग्रीमेंट करना है, किसी नए प्रोजेक्ट की बुनियाद रखनी है, कोई भी नया ऐसा कुछ नया शुरू करना चाहते हैं काम कारोबार के हवाले से, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि इस वक्त आप लोग जो भी कोई भी काम शुरू करेंगे, वो काम आप लोगों को फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं,
तो इस वक्त आप लोगों को लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग फोकस कर पाएंगे, आप अपनी सारी तवज्जोहात एक नुक्ते पर इकट्ठी कर सकेंगे। तो जब सारी तवज्जो आपकी अपनी पढ़ाई पर होगी तो यकीनन आप लोगों के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, और आप लोग तो वैसे भी बड़े ज़हीन हो, जमनाइज बड़े ज़हीन फतीन माने जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर जान लगानी चाहिए, क्योंकि ये वक्त बहुत अच्छा है, इस वक्त से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इस वक्त अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा वो तमाम जेमिनाइज जो किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 22 मार्च के बाद आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो 22 मार्च के बाद आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो हल्की सी कोशिश से आपका एडमिशन भी हो जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको इंशाल्लाह आसानियां ज़रूर मिलेंगी। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको खुश रखे, खुशहाल रखे, आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, सेहतमंद खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और खुशियाँ बाँटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब खुशकिस्मत जोड़िक साइन है वो है सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस तकरीबन एक सदी के बाद, 110 साल के बाद, पांच बड़े प्लैनेट्स का, पांच बड़े सैयारों का एक अजीम इज्तमा हो रहा है, यानी कि जुपिटर, मरकरी, वीनस, यूरेनस और मार्स इकट्ठे हो रहे हैं, और 22 मार्च को ये प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएंगे और अप्रैल के शुरू तक ये प्लैनेट्स इकट्ठे रहेंगे। तो सैयारों का ये जो इज्तमा है, ये बड़े प्लैनेट्स का जो मिलाप है, आप लोगों के माली मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस ड्यूरेशन में फ्लो ऑफ इनकम बहुत बेहतर हो जाएगा। तो वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप पार्टनरशिप पर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपने लिए कोई नया बिजनेस पार्टनर तलाश कर रहे हैं, तो अब आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई एक बेहतर पार्टनर ज़रूर मिल जाएगा, एक बिजनेस पार्टनर ज़रूर मिल जाएगा। और अगर इस वक्त 22 मार्च के बाद अगर आप पार्टनरशिप पर कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, तो उसका रिजल्ट आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा फ्यूचर में। इसके साथ साथ अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात चलाएं, शादी की बात चलाएं, क्योंकि यही वो वक्त है कि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता आसानी से तय भी हो जाएगा और शादी की बात भी चल निकलेगी, शादी वाले मामलात भी तय हो जाएंगे। और वैसे भी आप लोग इस ड्यूरेशन में बहुत बहादुर रहेंगे, आपके अंदर हिम्मत होगी, बहादुरी होगी, आप लोग जो भी काम करेंगे बड़ी हिम्मत के साथ करेंगे, बहादुरी के साथ करेंगे, सॉलिड किस्म के डिसीजन लेंगे, जरूरतमंदाना फैसले करेंगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस वजह से आप लोगों का काम कारोबार बहुत बेहतर रहेगा। अपने कारोबार की जगह पर आप लोग रिजल्ट की परवाह किए बिना फैसला कर देंगे। तो इसी वजह से काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर जो आपके मुखालफीन होंगे, जो आपके दुश्मन होंगे, वो आप पर हावी नहीं हो सकेंगे, बल्कि आप खुद बहुत डोमिनेंट रहेंगे, दूसरों पर हावी रहेंगे। आपके मुखालफीन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बल्कि वो उल्टा आपसे डरे डरे रहेंगे। और इसके अलावा वो तमाम सेजिटेरियंस जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, यानी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन पर काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, इसके अलावा वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं,
इन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, तो वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुश रखे, खुशहाल रखे, आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, सेहतमंद खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।